दर्जनों शहरों में धारा 144 लगाकर हमें हमारे धार्मिक आचरणों पर आचरण करने के लिए प्रतिबंधित जहां किया गया, वहीं करौली की घटना ने साफ कर दिया कि करौली की घटना सुनियोजित घटना थी। दंगाइयों को प्रशय दिया जा रहा है और गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पहले ही बयान दे रहे हैं कि ये उत्तेजनापूर्ण नारे लगे थे। हम संवैधानिक प्रमुख को कहने जा रहे हैं कि अगर पुलिस के संभालने वाले गृह मंत्री जी पहले ही क्लीन चिट दंगाइयों को दे देंगे तो किस प्रकार का न्याय होगा। ये पहली घटना नहीं है, ये दर्जनों घटना है जो पिछले 3 महीने में हुई है। उन सारी घटनाओं का संकलन करके हम महामहिम राज्यपाल को सारी बातों से बताएंगे और उन्हें कहेंगे, आग्रह करेंगे कि वो हमारे ज्ञापन के आधार से सरकार से जवाब तलब करें। पलायन का मुद्दा भी उठाएंगे? निश्चित तौर पर, अगर एक हम हमारी मांग है कि सरकार जांच करें। एक घटना नहीं, मालपुरा के अंदर ऐलानिया पलायन करने के लिए मजबूर, लोगों ने कहा हमें पलायन करने के लिए हम मजबूर है। छपड़ा की घटना में एक मोहल्ले से एक दर्जन से ज़्यादा लोग बाहर चले गए मकान अपना बेचकर। ये कई घटनाएं हैं जो बता रही है कि अब राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव असंतुलित भी हो गया और बिगड़ भी गया। सरकार आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने आरएसएस का दंगा भड़काया। देखिए, सरकार के मुख्यमंत्री जी कुछ भी कह दे, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। अगर उनके पास कोई परिणाम है कि दंगा भारतीय जनता पार्टी ने में भड़काया है, तो फिर हाथ के कंगन को आरसी क्या है, क्यों नहीं सामने लेकर उन फैक्ट्स को आते हैं। इसलिए कपोल कल्पित बातें करना और जनता का ध्यान बटाने की कोशिश करना, ये मुख्यमंत्री जी की आदत में शुमार है। पुलिस वाले कर नहीं रहे, पुलिस वाले उन्हें रेड कार्पेट बिछा कर कह रहे हैं आप पधारो, अब आपने तोड़ फोड़ कर काम को पूरा अंजाम दे दिया। और जो व्यक्ति, जो पार्षद पहले दिन तोड़फोड़ करता है, दूसरे दिन शांति समिति में वो बिल्कुल पुलिस अधीक्षक के पास में बैठता है, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। तो राजेंद्र राठौड़ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने करौली हिंसा की रिपोर्ट केंद्र को भेजने की मांग की है। और आपको बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा गया है, कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपने देखी, बात भी उन्होंने सुनी। आपने क्या कुछ कहना था राजेंद्र राठौड़ का करौली दंगों को सुनियोजित साजिश, राजेंद्र राठौड़ ने बताया है। भाजपा को बदनाम करना बंद करे सरकार, एक बड़ा बयान, बेगुनाह को फंसाने की साजिश ना करे। और ये भी मांग की गई है, बीजेपी नेता राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंचे थे, तस्वीरें आपने देखी, और करौली हिंसा की रिपोर्ट केंद्र को भेजने की मांग फिलहाल की गई है। ये कहा गया है कि सुनियोजित साजिश है करौली हिंसा, और भाजपा को बदनाम करना सरकार बंद करे, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे थे कि भाजपा इस तरीके का माहौल बना रही है, जिस तरीके से प्रदेश में चीजें हो रही है, हिंसा हो रही है, जिम्मेदार कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका बताया था। और आज बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंचा है। और ये लाइव तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं, जयपुर से सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो आज राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं, ज्ञापन देने पहुंचे हैं। करौली हिंसा की रिपोर्ट केंद्र को भेजने की मांग भी प्रतिनिधिमंडल ने की है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं उमाथुर सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ को। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलेगा और ज्ञापन राज्यपाल को दिया जाएगा करौली हिंसा को लेकर। विष्णु शर्मा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विष्णु, क्या अपडेट है खबर पर? जी विष्णु, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है विष्णु से, जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ फिलहाल मौके पर चल रहा है। लेकिन ज्ञापन देने बीजेपी नेता फिलहाल पहुंचे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं
कुछ ही देर बाद करौली हिंसा मामले को लेकर जो ज्ञापन है वो सौंपा जाएगा राज्यपाल को और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जाएगी। ये भी मांग की जा रही है कि करौली हिंसा की रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाए क्योंकि करौली दंगों को सुनियोजित साजिश बताया गया है बीजेपी की तरफ से। और विष्णु शर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विष्णु, क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, अभी कुछ देर बाद ही जो भाजपा नेता हैं वो राजभवन के लिए रवाना होंगे यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से, और उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंच चुके हैं, सांसद जसकोर मीणा पहुंच चुके हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो अन्य तमाम नेता पहुंच चुके हैं, वही जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया वो पहुंचेंगे, और जो नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वो पहुंच चुके हैं। इन सब को कुल मिला के यही कहना है कि जो करौली की हिंसा है वो एक तरह से जो सरकार है उसको जानबूझकर तुष्टिकरण की नीति अपना रही है, और उसको लेकर इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तुष्टिकरण की नीति अपना रही है। वहीं जो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसके बारे में भी राज्यपाल को जानकारी देंगे। जो भाजपा नेता है उनका कहना है कि सीधे सीधे जो करौली की घटना हुई है उसमें तमाम सामने आ रहा है कि जो तथाकथित पार्षद हैं वो हिंसा में शामिल था, और दूसरे दिन एसपी के बराबर बैठक में शामिल हुआ था शांति समिति के में। ऐसे में सरकार तुष्टिकरण का आरोप लगा, दूसरी ओर जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो भी लगातार बिगड़ रही है, इस बारे में भी राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। सारे जो फैक्ट्स हैं, जो रिपोर्ट भाजपा दल गया था उस रिपोर्ट के बारे में भी राज्यपाल को अवगत कराएंगे। साथ ही ये मांग करेंगे कि वो सरकार से जवाब तलब करें कि इस पूरे मामले को लेकर कि जो घटना हुई है वो इस तरह से बेहद तुष्टिकरण पूर्वक घटना है, और इसको लेकर सरकार से जवाब तलब करें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो घटनाक्रम है जहां भाजपा नेताओं को तुरंत सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, चाहे वो गोटवाल हो या फिर राजावत हो, वही जो कुछ जो भाजपा के पदाधिकारी हैं जिनके राजसमंद और अन्य जगह हत्याएं हुई है वहां जो सरकार है वो प्रश्न दे रही है जो आरोपियों को। ऐसे में इन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह बिगड़ चुकी है, और इसको लेकर ही वो राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ से जो भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल है वह जो प्रदेश कार्यालय से रवाना होगा, और उसके बाद राजभवन पहुंचकर पूरी जो जानकारी है तथ्यात्मक उससे राज्यपाल को अवगत कराएगा। जी, क्योंकि विष्णु देखिए इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अब ये मांग की जा रही है कि केंद्र को पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए करौली हिंसा की, तो क्या इस पर भी विचार किया जा सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल, ये तमाम रिपोर्ट है जो बीजेपी ने तैयार की थी, पूरी रिपोर्ट से जानकारी दी जाएगी। ये इस बात से साबित हो रहा है कि किस तरीके से राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार बीजेपी के जितने निकाय और पंचायती राज संस्थाओं पर चुने हुए जो लोग जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ विद्वेष की और प्रतिशोध की कार्रवाई करती है, और न्यायालय से निर्णय के बाद में उनको दोषमुक्त करने के बाद ये पूरे तरीके से साबित हो गया कि पूरे तरीके से प्रायोजित था, और उस पर कांग्रेस के संरक्षण में ये सारा काम हुआ। पूरी मामलों को प्लॉट किया गया, और उसमें जिस तरीके से बीजेपी को, बीजेपी के नेताओं को, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश हुई, ये कांग्रेस के प्रतिशोध की राजनीति का निकृष्टतम उदाहरण है। और इसलिए प्रदेश के अनेक हिस्सों में भी, वहाँ जहाँ हमारे पंचायत समिति के प्रधान हैं, नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरीके से वो प्रतिशोध की कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो आज न्याय मिला है, मैं न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान भी करता हूँ, और जनता ने इस चीज़ को नज़दीक से देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि अब प्रतिशोध की राजनीति कांग्रेस पार्टी की लंबी चलेगी नहीं। अभी गवर्नर के पास जा रहे हैं, बात क्या करें, किन किन बिंदुओं पर आप चर्चा करने जा रहे हैं गवर्नर? मूल रूप से करौली की जो हिंसा थी उसने पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, एक चर्चा और बहस छिड़ी है। जिस तरीके से करौली की घटना में साक्ष्य सामने आए हैं उसमें सरकार की बदनीयति, सरकार का संरक्षण और पुलिस की लापरवाही, ये सब उजागर हो गई है। इसलिए हमारा विपक्ष के नाते भी और एक सामाजिक व्यक्ति के नाते भी धर्म है कि हम बहुसंख्यक लोगों को इस तरीके से पीड़ित और प्रताड़ित होने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं।
हमारे प्रतिनिधि मंडल ने, पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों ने उनकी सुधबुद्ध भी ली है। दूसरा पक्ष है कि एक तरफ तो पीएफआई को हिजाब के मसले में यही सरकार अनुमति देती है रैली निकालने की, और रामनवमी की रैलियों पर प्रतिबंध करते हैं। 9 जिलों से भी ज़्यादा 144 को इम्पोज करना, ये अपने आप में सरकार की एक तरीके की तुष्टिकरण की नीति को प्रमाणित करता है। तो दूसरा पक्ष ये है, इसको सरकार ने लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए 107, 116 के जो नोटिस दिए, जिसके कारण पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। तीसरा पक्ष ये है कि हमारे उदयपुर संभाग में एक महीने में 3 कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं हुई। हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अभी पिछले दिनों निम्बाड़ा विधानसभा के क्षेत्र में गए, 10,000 से भी ज़्यादा लोग उस हमारे जो कार्यकर्ता था उसकी शव यात्रा में थे, उन्होंने एक आक्रोश जताया। लेकिन उसकी हत्या से लेकर तमाम जो बाकी 2 कार्यकर्ता थे, इसी तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उनकी हत्याएं हुई, सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के लोगों का संरक्षण उनको था। तो प्रदेश में जो राजनीतिक प्रताड़ना का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको भी हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के संज्ञान में लाएंगे। हमारा प्रतिनिधि मंडल अभी मिलेगा और आपको बाकी विस्तार से जानकारी उसके बाद। आपकी शोभा यात्रा की थी, सभी लोगों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने, उनमें सबसे खास बात अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की थी, उनमें भी आपके जो अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री है उनकी फोटो मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पे पुष्प वर्षा। अच्छी बात है, क्योंकि यदि ये तो कांग्रेस का नजरिया है तुष्टिकरण से देखने का और इस तरीके से जाति पंथ मजहब और भाषा में बांटने का। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो व्यवहारिक रूप से उन्होंने जितनी नीतियां लागू की वो किसी धर्म और पंथ और मजहब के लिए नहीं थी, देश के समग्र लोगों के लिए थी। ये तो कांग्रेस ने पिछले सालों में 70 साल की राजनीति में जो जाति पंथ और वोट बैंक की राजनीति की, उसी का नतीजा था। तो ये पक्ष है कि भाजपा की नीतियों से जो समुदाय हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल है, उससे इनकार नहीं कर सकता। इसलिए रामनवमी का जुलूस निकलता है और मुस्लिम उस पर पुष्प वर्षा करता है, तो ये अपवाद नहीं है, ये उनकी देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, नीतियों के प्रति आसक्ति है। धन्यवाद।